हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिला टेक्निक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो लीनियर इक्वेशन की सीरीज नंबर 3। ये हमारा बेसिक का 27 नंबर का वीडियो है और हमने इसके पहले वीडियो में 20 क्वेश्चंस कवर किए थे और लीनियर इक्वेशन के बेसिक्स के अंदर हमने करीबन 30-40 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर ही आप इस वीडियो के अंदर आइए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे चलेंगे। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सारे मैंने क्लास 7, 8 और 6 की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें से लिए हुए हैं। तो अगर आप ये सारे वीडियोस देखते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 17 ले रहा हूँ। 9 - 3 x - 2 इज इक्वल टू 21 - x। यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये नंबर इसके पास चला जाएगा। 9 - 3x - - +3 2 6 इज इक्वल टू 21 - x हो गया। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड में आने चाहिए, मतलब ये x है वो इस साइड आना चाहिए था, और ये 6 है वो राइट साइड जाना चाहिए था, 9 है वो भी राइट साइड जाना चाहिए था। तो -3x अपनी जगह पे, वहां से आया x माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, इज इक्वल टू 21 - 9 - 6। नेक्स्ट 3x + x, यहाँ 3x माइनस में है तो -3 + 1 - 2x इज इक्वल टू 21 माइनस माइनस प्लस, ये 15 हो जाएगा, माइनस में 9 बड़ा है इसलिए साइन माइनस की लगेगी। -2x इज इक्वल टू 21 माइनस से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, x इज इक्वल टू 6 - -2, x इज इक्वल टू 2 - 3 = 6 +-, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y। 2y, ये y माइनस में है, वेरिएबल इसलिए राइट साइड में लेफ्ट साइड में आना चाहिए था, तो मैं इसको यहां पे लेके जाता हूं, ये प्लस में आ गया, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो इसको मैं इस साइड लेके जाता हूं, तो ये 26/3, यहां ये प्लस में था इसलिए ये माइनस में हो गया। 2y + y इज इक्वल टू, ये दोनों के नीचे नंबर सेम है तो मैं डायरेक्ट माइनस करा सकता हूं, 2y + y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 गया तो 21/3, 3y इज इक्वल टू 3, 7 + y इज इक्वल टू 7/3, नंबर छोटा है मैं इसको मिक्स में लेके जा रहा हूँ, 3 2 + 6 + 1 7, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 2 - 2 = 3 + 1, वेरिएबल को लेफ्ट साइड ले लेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड, वेरिएबल लेफ्ट साइड हो जाएगा और कांस्टेंट राइट साइड हो जाएगा, तो x by 2 - 3 और 1 एज इट इज, और ये -2 उधर उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेना है और दोनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर का एलसीएम उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, तो 2 3 = 6, तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ
3x बाय 6 माइनस 2x बाय 6 इज इक्वल टू ये 3 हो गया, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 लाने के लिए, और 3 है तो मल्टीप्लाई 2 करवाएंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसलिए 2x आ गया। नीचे के नंबर सेम हो जाते हैं तो 3x माइनस 2x बाय 6 इज इक्वल टू 3। ये 6 जाएगा राइट साइड, तो 3x में से 2x गया तो x बचेगा, और यहाँ पे 3 इंटू 6 एक्स इज इक्वल टू 18, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 4। वेरिएबल को लेफ्ट साइड ले लेना है, कांस्टेंट को राइट साइड, वेरिएबल लेफ्ट साइड, कांस्टेंट को राइट साइड। 3x माइनस 5x, क्योंकि 5x यहाँ प्लस में था उधर जाके माइनस में, 4 अपनी जगह पे, 8 गया 4 के पीछे माइनस में, माइनस 2x इज इक्वल टू 4 में से 8 गया तो माइनस 4 इज इक्वल टू, के दोनों साइड माइनस की साइन कट हो गया, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 2, x इज इक्वल टू 2 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे 22 नंबर, x माइनस 2x इज इक्वल टू 6। काफी आसान क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दोनों साइन एक जगह पे इकट्ठा हो रही है, माइनस माइनस 2x इज इक्वल टू 6, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 6। टाइप 1 याद करो, 6 बाई 3, एक्स इज इक्वल टू 3, 2 जा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अब तो सारे क्वेश्चन इजी जा रहे हैं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 23, 50m प्लस m इज इक्वल टू 17, 50m प्लस m इज इक्वल टू 51m इज इक्वल टू 17, m इज इक्वल टू 17 बाय 51, m इज इक्वल टू 17, 3 जा, 1 बाय 3 आंसर हो गया, 51 बढ़ा है इसलिए आंसर 3 के पास, आंसर 3 51 के पास जाएगा। 24, 4x प्लस 2 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3, क्रॉस कर लेना है आपस में, 3 इंटू 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2, ये 3 अंदर जाएगा तो 12x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 6, ये प्लस 6x है, कांस्टेंट है इसलिए राइट साइड में भेजना पड़ेगा उसको, 12x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 6, 12x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12 ये जाएगा नीचे इसलिए 12 नीचे आ गया, x इज इक्वल टू 12 बन जा 12, माइनस प्लस माइनस प्लस ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। एक और छोटा क्वेश्चन लेते हैं, 25 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इज इक्वल टू 9। अब कैसे करना है इसको, वन मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है, कैसे करना है कि x की वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, स्वाइप करा दूंगा, 1 बाय 9 इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमेशा वेरिएबल है वो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 9 हो जाएगा, ये वन मार्क में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं।
एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। थ्री इन ब्रैकेट 2 + 7, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 3 (2+7) इन टू x = 7। तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 3 एज इट इज नीचे, 2 + 7 = 9, x = 7। 9 × 3 = 27x = 7। x = 7/27। आप सोच रहे होंगे कि हम 7 7 कट करा दें, मगर ये आप ऐसा कट नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा 7/27। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन निकाल रहे हैं अभी हम। ये क्वेश्चंस पुरानी बुक की हैं, गुजराती मीडियम की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लिए हुए हैं। 3/2 आपको एनसीईआरटी 8 क्लास में देखने को मिल जाएंगे। रेशियो वाले क्वेश्चन आखिरी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे आपको। 3/2 दिखने में क्वेश्चन काफी बड़ा है, मगर इसको हम रिड्यूस करवा देंगे। 3/2 = के दोनों साइड सेम नंबर आ रहे हैं, इसलिए ये पूरा कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4x + 1/2x - 5। यहाँ कुछ नहीं बचा इसलिए 1 बचेगा। इसको आप पूरे टर्म को उस साइड भेज दीजिए। 4x + 1 = 2x - 5। 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे कोई वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। वेरिएबल है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, कांस्टेंट है राइट साइड में आ जाएगा। तो 4x - 2x = -5। ये +1 है तो -1 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2x, माइनस माइनस, प्लस 5 + 1 = 6। साइन किसकी लगेगी, माइनस की। 2 गया नीचे, x = -6/2, x = 3, माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट एक और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ले लेंगे। क्लास 8 का क्वेश्चन है, m/m + 15 = 4/9। क्रॉस करवा देना है आपको। 9 × m = 4 × m + 15। 9m = 9m, 4 × m = 4m + 4 × 15 = 60। 4m वेरिएबल है, इससे डालना पड़ेगा आपको। 9m - 4m = 60। 9m - 4m = 5m = 60। 5m नीचे चला गया, m = 60/5। m = 5, 12 जा m = 12। ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेंगे। वीडियो को पूरा देखना है आपको तो ही आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे क्वेश्चन है, x/2 - 2 = x/3 + 1। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल है तो इस साइड लेके आ जाना है, कांस्टेंट है तो इस साइड लेके आ जाना है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन हमने पहले कर दिया है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला स्टेप रख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, काफी डिफिकल्ट है। 2x - 3 - 7 = 6 - 5 x + 1। काफी बड़ी डिजिट है,
पहले इसको 2 को अंदर भेज दो आप, तो 2x माइनस 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस प्लस माइनस 5 वन जा 5, 2x माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 माइनस 5x, 2x है यहां से वेरिएबल लेफ्ट साइड आ जाएगा, माइनस में था इसलिए प्लस में हो गया, 1 एज इट इज नीचे, माइनस 13 लेफ्ट साइड में था, कांस्टेंट को राइट साइड में लेना पड़ता है, ये 13 हो गया। 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x, 1 प्लस 13 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाय 7, x इज इक्वल टू 7 टू जा 2 आपका आंसर हो गया। हम आखिरी क्वेश्चन लेंगे और इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। हाँ, क्लास 8 की बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, काफी एग्जाम में ये पूछा गया है। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 बाय 5। मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, 3m माइनस 5m हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5। 3 में से 5 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5। इज इक्वल टू के दोनों साइड माइनस की साइन है, कट हो गया। m इज इक्वल टू, इसको आप नीचे लेके जाओगे तो 8 बाय 5 इंटू 2, m इज इक्वल टू 8 बाय 10। मैंने डेसिमल वाली सीरीज में सिखाया था आपको कि जब किसी नंबर को 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट को आपको लेफ्ट साइड में जंप कराना होता है। डिवाइड के अंदर लेफ्ट साइड में जंप होता है और राइट साइड मल्टीप्लाई के अंदर राइट साइड में। यहाँ 8 के पास पॉइंट नहीं है तो पॉइंट पीछे होगा, लेफ्ट साइड में एक जीरो है तो एक जंप कराना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8। ये आपका आंसर हुआ। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लीनियर इक्वेशन की सीरीज आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कमेंट्स में कुछ नहीं लिखोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हम आपके लिए नए वीडियोस नहीं बना पाएंगे। मोटिवेशन ही हमारे लिए एनर्जी है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आने वाले नए वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर कुछ लिखें। थैंक यू सो मच।